हेलो दोस्तों, होम शेफ राखी में मैं राखी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई और बेहतरीन रेसिपी लेकर। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर इजी और बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार होने वाली मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे झटपट 15 से 20 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तब भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में इतनी टेस्टी है। आप जब इसे खाएंगे तो ये आपको एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन मिठाई का स्वाद देने वाली है। ये आपको कलाकंद, संदेश और जो मिल्क बर्फी होती है, मावा बर्फी होती है, बिल्कुल वैसी ही लगने वाली है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर है, ये थोड़ा खुला छोड़ दिया था इसलिए हल्का सा येलोइश दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश पनीर है। तो यहाँ पर हम इसको बारीक वाले ग्रेटर से, जो छोटे वाले दाने होते हैं उस वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा सारा पनीर कद्दूकस करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई, तो यहाँ पर हम पनीर डालेंगे। 400 ग्राम पनीर के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1 कप ही दूध, यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। 4 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई, 1 चुटकी यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से जो मिठाई का टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और अगर आप इसे व्रत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो नमक डालना यहाँ पे आप अवॉइड करें। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, किसी भी तरीके की कोई गांठ, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस की फ्लेम को करेंगे हम लो टू मीडियम और अब हम इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारे मिक्सचर में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 8 से 10 धागे केसर के। केसर डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसमें एक अच्छा सा कलर देना चाहती थी और केसर का फ्लेवर देना चाहती थी, तो यहाँ पर मैंने केसर को ऐड किया है। और अगर आप इंस्टेंट कलाकंद बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होगी, उसकी रेसिपी भी मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए इलायची का पाउडर। तो ये अब हमारा पहले से काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे शक्कर। तो 400 ग्राम पनीर के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप शक्कर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिठाई को बनाना इतना आसान है और ये जो रेशियो मैंने आपको बताया इतना परफेक्ट रेशियो है कि ये ना ही ज़्यादा मीठा होगा ना ही कम मीठा होगा और एकदम बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनके आपकी तैयार होगी। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये थोड़ा डो फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो ये हमारा बर्फी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे गैस को ऑफ। आप देख सकते हैं हमने पूरी मिठाई के अंदर कहीं पर भी घी का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही कम सामान के साथ ही हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखा था। हमारा जो मिक्सचर है उसे हम अपने ट्रे में पलट देंगे और अब हम इसको अच्छे से एक स्पैचुला की हेल्प से सेट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा कुछ मीठा खाने का मन होता है लेकिन हम बाज़ार से कुछ लाना नहीं चाहते हैं, कुछ हेल्दी और अपने हाथ का बना हुआ खाना चाहते हैं। तो आप इसे बहुत ही जल्दी झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और 10 मिनट के रेस्ट के बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्फी के मिक्सचर को अच्छे से फ्लैट कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पिस्ता और केसर से। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अनुसार इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसे कि चांदी के बल्ब से कर सकते हैं, रोज़ पेटल से कर सकते हैं, केसर, पिस्ता, बादाम, जो भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पर इसको गार्निश कर रही हूँ पिस्ता और केसर से। तो यहाँ पर मैं इसको, तो जो केसर है वो गरम गरम मिक्सचर पर जब हम लगाएंगे तो ये हल्का सा अपना कलर छोड़ेगी जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम मिक्सचर पर ही पिस्ता और केसर को सेट कर दिया है। तो अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। लगभग 30 से 35 मिनट हो चुकी हैं, अब हमारा जो मिक्सचर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बर्फी का जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर से ठंडा होने के बाद इसके लड्डू भी बना सकते हैं, यानी कि पनीर के लड्डू। तो जो भी आपको मन हो वैसे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं इसके पीस कट कर लेती हूँ, मैं इसको बर्फी की शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे बर्फी के पीस कट के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं।
बर्फी हमारी कितनी दानेदार बनी है, जैसे कि कलाकंद होता है, संदेश होता है, उसी तरह से, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है। तो ये लीजिए, हमारी पनीर से बनी हुई बर्फी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये एक तरह से आप इसको इंस्टेंट कलाकंद कह सकते हैं, पनीर की बर्फी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। तो अगर आपको ये पनीर बर्फी की रेसिपी पसंद आती है, कलाकंद की रेसिपी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।